पादों के तिथि अष्टमी की सब तो गाथा गाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। मनुज रूप में क्यों आए हरि आज बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। यमुना जी के तट पर एक नगर है अति सुंदर, अद्भुत अति मन भावन जिसका लगता है हर घर। मथुरापुरी नाम से जिसको जाना जाता है, सत्य धर्म के लिए जिसे पहचाना जाता है। उग्रसेन जी मथुरापुर के शासक हुए महान, रूपवती स्त्री पवन रेखा थी रति समान। एक बार सखियों के साथ गई है रेखा वन, उन पर एक राक्षस का तब तो मचल गया है मन। उसकी माया से आंधी तूफान आ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। मनुज रूप में क्यों आए हरि आज बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। उस आधी तूफान में सखियों का छूटा जो साथ, तो आकर मायावी राक्षस ने पकड़ा है हाथ। उस राक्षस ने किया पवन रेखा से भोग विलास, फिर अपने वास्तविक रूप में आया रानी पास। उस राक्षस ने उग्रसेन का रूप बनाया था, इस कारण रानी ने कुछ भी जान न पाया था। रानी बोली छल से तूने किया है भारी पाप, इस कारण देने जाती हूँ अब मैं तुझको शाप। आवेशित रानी के नेत्र तो लाल हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। मनुज रूप में क्यों आए हरि आज बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। राक्षस बोला मैं हूँ काल ने मत अंत महान, मुझे शाप ना दो मुझसे ही ले लो तुम वरदान। तुम्हें हमारे अंश से होगा एक बालक बलवान, मान गई रानी क्योंकि उनको ना थी संतान। खुशी खुशी रानी आई सखियों के साथ महल, लगे बीतने गर्भ अवस्था के सुख से हर पल। माघ माह के मंगल दिन को थी तेरस की रात, पैदा हुआ एक बालक लेके नाना तो उत्पात। पंडित जन बालक का नाम कंस बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं।
मनुज रूप में क्यों आए हरि आज बताते हैं हम कथा सुनाते हैं। से मार के हाँ मगध देश के जरासंध को हरा दिया रण में उसके कन्याओं को ब्याह लिया उसके ही प्रण में अस्ति और प्राप्ति नामक रूपवती नारी करने लगी कंस की सेवा आके अति भारी देवक सुता देव की जो अभी तलक कुंवारी उसे कंस तो मान तथा अपनी बहन बड़ी प्यारी उसी बहन के लिए कंस वर को खुजवाते हैं पावन कथा सुनाते हैं। मनुज रूप में क्यों आए हरि आज बताते हैं हम कथा सुनाते हैं। मड़ी सब भेंट दिलाया है कंस बहिन को लेके चला विदा करने ससुराल दोनों पक्षों के नर नारी सब जन है खुशहाल चलते ही देवों ने किया आकाशवाणी तत्काल इस कन्या का पुत्र आठवां होगा तेरा का इतना सुनकर कंस उतर कर नीचे आया है लेकर के तलवार बहन के ऊपर धाया है वासुदेव जी कंस राज को तब समझाते हैं पावन कथा सुनाते हैं। मनुज रूप में क्यों आए हरि आज बताते हैं हम कथा सुनाते हैं। उसने वासुदेव की एक नहीं मानी बोले वासुदेव जी सोच समझ कर तब बानी महाराज मैं वचन दे रहा इसे निभाऊंगा सबसे पहले पुत्र आपके सन्मुख लाऊंगा फिर जी में जो आएगा महाराज वही करना लेकिन विनती है कि देवकी के न प्राण हरना। कंस राज को वासुदेव की बात बहुत भाई इस कारण तलवार रख दिया जिसे थी उठाई वासुदेव देवकी संग अपने घर को जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं। मनुज रूप में क्यों आए हरि आज बताते हैं हम कथा सुनाते हैं। वह पर की कथा महान सब
सुत को जाए, लेकर के वसुदेव कंस के सन्मुख है आए। कंस राज ने फिर तो अपने मन में किया विचार, बैरी है अठवा पुत्र फिर इसका क्यों संहार। यही सोच कर कंस राज ने उसको छोड़ दिया, वासुदेव जी ने बालक लेकर प्रस्थान किया। नारद जी ने आकर कंस राज को है समझाया, एक कमल को लेकर के उसका मन है भरमाया। कंस मंत्रियों साथ देवकी के घर जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। मनुज रूप में क्यों आए हरि आज बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। उसने बालक को धरती पर पटक दिया, अपने बाकी पापों को भी भरना शुरू किया। जिस प्रकार से कंस ने इस बालक को है मारा, उसी प्रकार से देवकी के छह सुत को संहारा। फिर तो वासुदेव देवकी को बंदी है बनवाया, उग्रसेन ने सुनकर कंस राज को है बुलवाया। उग्रसेन को भी उसने कारा गृह में है डाला, मथुरा के सिंहासन पर बन बैठा है मतवाला। फिर उसके अनुचर निर्भय हो पाप बढ़ाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। मनुज रूप में क्यों आए हरि आज बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। गया है अब तो भारी हाहाकार, होकर दुखी भक्त जन करने लगे है पुकार। शेष महेश देव बोले प्रभु अब लो अवतार, धरती गाय रूप धर कर पहुंची है प्रभु पास। नारद शारद देव सभी करते हैं प्रभु अरदास, परम प्रभु विनती को सुन करके आ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। मनुज रूप में क्यों आए हरि आज बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। फिर नारायण ने माया को पास
भांति सब कुछ समझाया है। अब की है देव की गर्भ में ठहरी जो भी बात, उसे रोहिणी माँ के पेट में कर दो तुम तत्काल। प्रभु ने माया को दुर्गा काली का नाम दिया, जैसा था आदेश योग माया ने वही किया। फिर तो आठ विगर्भ में स्वयं प्रभु जी आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। मनुज रूप में क्यों आए हरि आज बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। अष्टमी तिथि को थी अंधेरी रात, बुधवार रोहिणी लगी थी होती थी बरसात। जोग लगन ग्रह बार सभी हो गए हैं जब अनुकूल, तब बंदी गृह में प्रकटे हैं कृपा सिंधु सुखमूल। कारागृह के फाटक खुल गए, छूट गए बंधन, जाग गए वसुदेव शिशु का सुन कर के क्रंदन। नारायण ने वासुदेव को रूप दिखाया है, कैसे क्या क्या करना है सब कुछ समझाया है। फिर नारायण वापस बाल रूप में आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। मनुज रूप में क्यों आए हरि आज बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। प्रभु ने पाव है छुआए, यमुना जी को पार किए पहुँचे हैं गोकुल। जब बालक को रख कर कन्या को ले आए हैं, तब कारागृह में आते ही सब बंद हो गए द्वार। रोना सुन कर के कन्या की जागे पहरेदार। सुनकर कन्या जन्म कंस तो पहुंचा है कारागार, हाथों में लेकर उसका करना चाहा संहार। कन्या के हाथों में अस्त्र शस्त्र आ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। मनुज रूप में क्यों आए हरि आज बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। महलों को प्रस्थान तब किया है, इधर नंद जी ने बालक का जन्म है जब जाना, तो फिर गोकुल में उत्सव उत्साह परम ठाना। सोहर मंगल गीत लगे हैं नंद भवन होने, सुनकर के गंधर्वों
बहुत बहुमूल्य है बटवाए, और यशोदा जी ने भोज सभी को है करवाए। नंद भवन की शोभा देख कुबेर लजाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। मनुज रूप में क्यों आए हरि आज बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सदा ही शीश झुकाते हैं, त्रिणावर्त पुतना अघासुर एक से बढ़कर एक, प्रभु के हाथों मारे गए राक्षस तो बड़े अनेक। पाप अनीति अधर्म मिटाते विविध वेश धर कर, भक्तों को सुख देते हैं प्रभु कष्टों को हर कर। डीएस पाल सानंद कृष्ण अवतार सुनाता है, भक्तों के मन मंदिर तक गाकर पहुंचाता है। कृष्ण जन्म सुनने वाले भव से तर जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। मनुज रूप में क्यों आए हरि आज बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं।